मार्च का महीना ख़त्म होने को है और इसी को लेकर के स्टूडेंट्स के मन के अंदर बेहद ज़्यादा सवाल उठ रहे होंगे कि परीक्षाएं तो हो चुकी हैं लेकिन अब करियर किसके अंदर बनाए, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी लाइफ इस करियर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अब बात आती है कि आज मैं आपको यहाँ क्यों लेकर के आई हूँ। तो आपको बता देते, इस वक्त हम हिसार की जानी मानी आवर्स अकेडमी के अंदर मौजूद हैं और 19 मार्च को आवर्स अकेडमी के अंदर एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है। किस किस सब्जेक्ट्स को लेकर के ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है और किस तरीके से आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आवर्स अकेडमी के डायरेक्टर सुरेंद्र पुनिया मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है, किन किन कोर्सेज़ को लेकर के आपने रखा है, किस किस तरीके के टेस्ट इसके अंदर रखे गए हैं? सबसे पहले सभी का बहुत बहुत अभिनंदन आवर्स अकेडमी प्रांगण में। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जा रहा है 19 मार्च को, ये उन बच्चों के लिए हैं जो अभी 7th क्लास में पास आउट होंगे और जो प्लस टू तक जितने बच्चे पास आउट होंगे सभी एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं ये। और इस एग्ज़ाम को देने का हमारा जो पर्पज़ रहता है वो यही है कि जो बच्चे आगे नेक्स्ट क्लासेज में जाना चाहते हैं या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या जितने भी आगे मई जून जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर है, वीएस है, वीएलडी है, ये एक्सट्रीम होगी, इसी तरह आईआईटी नीट के जितने भी एग्ज़ाम्स होने उन सब की प्रिपरेशन हम जो बच्चों को करवाएंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से, उनमें जो एडमिशन लेंगे वो इसी टेस्ट के माध्यम से लेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपको बता देती हूँ, अब तक जो है 9th से लेकर के 12th क्लास तक 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रखा जाता था, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब इतना ज़्यादा हाई लेवल का कॉम्पिटिशन हो चुका है कि आवर्स अकेडमी ने एक और नया डिसीजन लिया है कि 7th क्लास से ही, जी हाँ आपको बता देते हैं, 7th पास आउट करके 8th क्लास से ही आप लोग इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता देते हैं कि 19 से पहले पहले आपको एनरोलमेंट कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आईआईटी के लिए, नीट के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, वीएलडीडी के लिए, वीएस के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया। सर, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए बीएससी एग्रीकल्चर की, तो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली अकेडमी आवर्स अकेडमी है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में ऐसा क्या है कि बच्चे सबसे ज़्यादा इसकी तरफ भागते हैं? देखो मैम, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आवर्स अकेडमी जो कंसेप्ट लेके आती हैं, जैसे हमने जितनी विंग्स बनी हुई हैं आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास 4 या 5 विंग्स है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, जैसे आईआईटी पीएमटी के लिए अलग से विंग्स बनी हुई हैं, डिफेंस के लिए हमने अलग से विंग बना रखी है, जैसे आपने देखा भी होगा कि एनडीए में पीछे हमारे पास 30 स्टूडेंट्स पे हमने काम किया और उसमें से 9 बच्चे हमारे एनडीए में सिलेक्ट हुए और उनको साथ साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई गई ताकि वो बच्चे इंटरव्यू में भी क्लियर करके आगे अपने जॉब तक पहुँच सकें। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और ये जो एग्रीकल्चर की जब हम बात कर रहे हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर है या वेटनरी के जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब कोर्सेज की पूरे हरियाणा के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी करवाती है, जैसे एचयू यूनिवर्सिटी करवा रही है और एक लुआस यूनिवर्सिटी एचयू यूनिवर्सिटी से ही अभी कुछ टाइम पीछे अलग हुई है, तो वही यूनिवर्सिटियाँ इन कोर्सेज को करवा रही हैं। तो पूरे हरियाणा का जो बच्चा है वो इसी यूनिवर्सिटी के थ्रू माध्यम से कोर्स कर सकता है। तो लिमिटेड सीट होती हैं, जैसे 100 या 150 या 200 सीटें होती हैं, तो इतने कम सीटों में जो बच्चा निकलता है उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है। लोगों को लगता है भी एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करनी होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चों में भ्रम है कि एग्रीकल्चर का करने का मतलब हम खेती बाड़ी का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी ऑफिसर्स लाइन्स की पोस्ट हैं, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर है, या बैंक्स के अंदर पीओ की पोस्ट निकल रही हैं, या जितने भी बड़े बड़े बैंक्स आए हुए हैं जिन्होंने पीओ की पोस्ट निकाली हुई है, वो सब ऑफिसर लाइन की पोस्ट है ताकि वो बच्चे आगे जाके अपनी अच्छी पोस्ट पर जा सकें। और जो गाँव में जो खेती होती है, कृषि होती है, उसके ऊपर जो लोन मिलता है वो बैंकों के थ्रू मिलता है, तो सारे बैंक के अंदर भी जॉब काफ़ी है इनके लिए। इसी तरह एग्रीकल्चर एडीओ की पोस्ट आती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इसी तरह बहुत सारी पोस्ट और भी हैं, साइंटिस्ट लेवल की पोस्ट निकाली जाती है यूनिवर्सिटी के थ्रू। लेकिन बच्चा क्या होता है, इसमें कम होता है, लिमिटेड होता है, तो उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और अब तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी भी सीटें बढ़ा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बच्चे कम हैं, जॉब्स ज़्यादा हैं। और आपको पता है वैसे भी गवर्नमेंट जॉब की मारामारी रहती है अपने हरियाणा में, लेकिन ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बाद बच्चा बेरोजगार कोई मिलता ही नहीं है। जो बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है वो बेरोजगार कभी नहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं सेटल रहे। सर, 7th या 8th क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर शायद हम लोग हमारे ज़माने के अंदर तो गोल डिसाइड नहीं कर पाते थे, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अकेडमी के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमें आईआईटी करनी है, नीट करनी है, तो क्या आप उनको सजेस्ट भी करते हैं?
देखो मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके लिए मैं आपका थैंक यू कहूँगा। ये हम बात करें अगर आज सेवन्थ क्लास के बाद या सिक्स क्लास के बाद हमें क्यों सोचना पड़ रहा है कि हमें किस फील्ड में जाना है या कितना कंपटीशन, कौन सा बच्चा कंपटीशन क्रैक कर पाएगा, ये सोचना इसलिए ज़रूरी हो गया कि अगर हम आज से छः साल पहले जाएँ तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते थे उसमें दो साल या तीन साल की तैयारी सफिशियंट होती थी। टेंथ के बाद बच्चे डिसाइड करते थे कि मुझे IITN बनना है या मुझे नेट के थ्रू MBBS डॉक्टरी करनी है, लेकिन अब ऐसा है कि अब दो साल में तीन साल में तैयारियाँ नहीं हो सकती। तो सभी जो पेरेंट्स हैं, अवेयर पेरेंट्स हैं, वो सिक्स क्लास से ही या एट्थ क्लास से अपने बच्चों को कंपटीशन तैयारी करवाने स्टार्ट कर चुके हैं, और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एट्थ क्लास से या सिक्स क्लास से अपने बच्चों को कंपटीशन की तैयारियां पहले करवा देते हैं ताकि वो टेंथ होते होते उनका बेस इतना मजबूत हो जाए कि वो अपने करियर के बारे में डिसाइड कर सके कि हमारा मैथमेटिक्स अच्छा है तो हम नॉन मेडिकल लेके IIT में जा सकते हैं, अगर हमारे पास बायो अच्छी है तो हम मेडिकल स्ट्रीम ले सकते हैं। जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं जैसे NDA जैसे कोर्स करने हैं तो उन बच्चों को भी हम एट्थ क्लास से ही तैयार कर रहे हैं ताकि वो आने वाले पांच सालों के बाद, प्लस टू जैसे ही उनकी पांच साल के बाद हो, तो डिफेंस के अंदर पहले अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले पाएं। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्लस टू के बाद अगर हम ये बातें सोचेंगे या टेंथ के बाद सोचेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि हम एक एग्जाम को क्रैक कर पाएं, और टाइम कम होने की वजह से भी तैयारियां नहीं हो पाई क्योंकि कॉम्पिटिशन आज ये टाइम बहुत बढ़ गया है, एक सीट पर हजारों बच्चे कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, और सभी मैं अभिभावकों से भी कहूंगा कि आप जागरूक बनिए क्योंकि अब अगर हम जागरूक अब नहीं बने तो हम अपने बच्चों का कैरियर नहीं बना पाएंगे, पैसा भी लगाएंगे लेकिन अपने बच्चों का कैरियर नहीं बन पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम एट्थ क्लास से चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दें, और बच्चों की स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन करवाना बहुत जरूरी है ताकि ये बच्चे फ्यूचर में अपना बेटर कर पाएं। सुरेंद्र जी, अगर 19 मार्च के स्कॉलरशिप टेस्ट की बात की जाए तो सिलेबस किस तरीके से रहेगा? देखो जो बच्चे ने रिसेंट क्लास में एग्जाम दिए हैं उसी सिलेबस को उठा के कंपटीशन का एग्जाम रखा गया है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे CBSE या हरियाणा बोर्ड जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी जो NCERT की बुक्स हैं, 50% सिलेबस तो NCERT के डाला गया है, इसमें कुछ इसमें IQ लेवल के क्वेश्चन भी डाले गए हैं ताकि उन बच्चों का हम हर चीज़ से आकलन कर पाएं कि हमारे बच्चे मैथ्स में कैसा कर रहे हैं, साइंस में कैसा कर रहे हैं, IQ कैसा है। उन्हीं चीज़ों को सबको देख के हम बता पाएंगे कि हमारा जो बच्चा है वो किस फील्ड में बेटर कर पाएगा, क्योंकि अगर हम बच्चे से, आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स सोचता है कि हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं भी आपको जो करना वो करो, क्योंकि हर पेरेंट्स के दो दो बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों को कहते हैं हम प्रेशर नहीं डालना चाहते, लेकिन मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है। अभी अगर एक बच्चे हैं या दो बच्चे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको कामयाब करवाना हमारी जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी अकेला टीचर्स या अकेले आप भी नहीं कर सकते, हमें तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को, इन तीनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होगा तभी हम अपने बच्चों को कामयाब कर सकते हैं। तो अपने बच्चे के ऊपर अकेले पर मत डालिए कि आपको जो करना है वो करें, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह हैं, उनको नहीं पता कि उनका कैरियर कहाँ निश्चित है, कहाँ उसका करियर बेटर बन सकता है। हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छा कर सकते थे लेकिन उनको टाइम रहते हैं, हमने गाइड नहीं किया, हमने बच्चे पे डाल दिया, उसने अपने फ्रेंड्स के थ्रू, उसके फ्रेंड्स ने जो कोर्स लिया उस बच्चे ने भी सोचा मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन अपना खुद का आंकलन किए बिना अगर हम कोई भी कोर्स चूज करेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे और आने वाले टाइम में इसका नुकसान, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं हर पेरेंट्स से, हर बच्चे से एक ही बात कहूँगा, पहले आप अपना आकलन करें कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, अपने अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको पहचानें, उसको पहचान कर ही आप अपने कोर्स को डिसाइड करें ताकि आपका भविष्य बन सके, और जो आप मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत भी आप अपना कंपटीशन क्रैक भी कर पाएं। अगर आपने गलत स्टेप उठा लिया, अगर आपको जाना दिल्ली, अगर आप चंडीगढ़ वाले रोड पर चढ़ गए तो आप कभी भी दिल्ली आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो वही चीजें कोर्स, इन्हीं कोर्सेज में भी रहती है। तो बिल्कुल आपको बता देते हैं कि अगर आप लोगों के बच्चे भी करियर बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि किसके अंदर बनाना चाहिए, तो आपको बता देते हैं कि आवर्स एकेडमी के अंदर आकर के एक बार आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके देख सकते हैं। उसके अंदर जितने भी मार्क्स आएंगे उससे जो है यहाँ पर मौजूदा टीचर उसका आंकलन करेंगे और आप लोगों को गाइडेंस भी दी जाएगी, काउंसलिंग भी की जाएगी। तो एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए वेरी ही इन्फॉर्मेटिव सूचना मैं आप लोगों को दे रही हूँ, 19 मार्च को ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहे हैं, इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आएँ, क्योंकि हम इस दिन करियर काउंसलिंग सेशन भी रखने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे अवर्स के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जो काउंसलिंग टीम के मेंबर्स हैं, वो आपको हर कोर्स के, जैसे अगर हम डिफेंस की बात करें डिफेंस के काउंसलर आपको अलग मिलेंगे, इसी तरह IIT PMT के जो बच्चों को हम फील्ड बनाना, फील्ड में डालना चाहते हैं अपने बच्चों, उनकी करियर काउंसलिंग अलग तरीके से की जाएगी, सबकी अलग अलग टीम्स मेंबर बने हुए हैं। तो यहाँ पे कम से कम 10 मेंबरों की टीम है जो आपको काउंसलिंग करेगी, तो पेरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एग्जाम दे रहे होंगे तो पेरेंट्स का करियर काउंसलिंग अलग से चलेगी। तो आपको बता देते हैं IIT नीट BSc एग्रीकल्चर VLDA VS NDA इन सब के एग्जाम और स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है 19 मार्च को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पहुँचिए और ये एग्जाम्स होगा आवर्स अकेडमी के प्रीमिसिस के अंदर ही, जो कि ऋषि नगर के अंदर है। आप लोग सुबह से टाइमिंग क्या रहेगी?
टाइमिंग्स 11 बजे की हैं, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करवाना अनिवार्य है, जबकि रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज भी नहीं रखा हमने, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं फीस भारी भरकम फीस होने के लिए 500 रुपये फीस या 600 रुपये फीस रख देते हैं इंस्टीट्यूट, तो बच्चा उसको लालच में फार्म अप्लाई करता ही नहीं है। तो हमने इसकी कोई कॉस्ट नहीं रखी है, टैलेंटेड बच्चे इस कोर्स में को जरूर अपना टाइमिंग सुबह 11 बजे की है, लेकिन आपको आना पड़ेगा 10:30 बजे तक, ताकि आप आधा घंटा पहले आके अपनी सीट्स ले पाएँ, लेकिन इसमें सीट लिमिटेड है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें। जो बच्चे रह जाएंगे या लेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके लिए फिर आगे नेक्स्ट डेट अनाउंस होगी, तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगर आपको 19 तारीख को ही टेस्ट देना है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि 18 की रात तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे वेबसाइट के माध्यम से करवा सकते हैं या फिर फोन कॉल के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऊपर जो है आप लोगों को नंबर और वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उस पर जा करके एनरोल करा सकते हैं। एक बार दोबारा से आपको बता देते कि 19 मार्च को होने वाले स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए 18 की रात तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें जो है एक अगली डेट दी जाएगी। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं सिर्फ करियर काउंसलिंग के लिए, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, एक बार टेस्ट देकर के ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।